आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आपको कोई रिटर्निंग सब्सक्राइबर है या पेंडिंग सब्सक्राइबर, तो उसको आपका चैनल स्टाइलिश लगे, मतलब अच्छा सा लगे, तो ताकि वो आपके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर सके। तो ये बस बहुत ईजी, आपको बस कुछ स्टेप्स का फॉलो करना है। ये इसके लिए मुझको किसी वो मेरे सब्सक्राइबर ने कॉमेंट में लिखा था कि प्लीज़ भाई ऐसा वीडियो कर दी, तो आप भी ऐसा कॉमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो ऐसा बना सकूँ। इसमें आपको भी आसानी होगी, आपको आपके मन का वीडियो होगा और मुझको भी वीडियो का टॉपिक लिखने में आसानी होगा, तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिएगा, क्योंकि मैं परिवार टाइप का एडुकेशन बनाना चाहता हूँ सब्सक्राइब। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ। एक तो सर्च से और एक यूट्यूब के इनबिल्ट और एक कंप्यूटर से, मतलब एक जो आपका गूगल प्रोफाइल में जो जो है एक चैनल का इनबिल्ट और एक आपके कंप्यूटर से। तो आप वो यूट्यूब के जो इनबिल्ट हो उसमें बहुत सुंदर सुंदर है, आप वो भी लगा सकते हैं, या अपना जो आप स्टाइलिश से बनाते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे एक अच्छा सा चैनल आर्ट बना सकते हो वीडियो के लास्ट में, तो आप बना सकते हैं, या अगले वीडियो में या वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो आप बना सकते हैं। तो फिर आप वैसे आप अपने चैनल का आर्ट बैनर लगा सकते हैं, तो फिर ऐसे ओके कर देना तो आपके चैनल का आर्ट बैनर भी लग जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने चैनल में लिंक कैसे डाल सकते हैं, कोई भी अपने ट्विटर अकाउंट का, फेसबुक अकाउंट का, इंस्टाग्राम, किसी भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म का आप अपना लिंक कैसे डाल सकते हैं, कोई भी अपने वेबसाइट का। तो ये भी बहुत ईजी, आप 5 लिंक डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमाइजिंग चैनल का अबाउट ऑप्शन में जाना है, उसमें आपको नीचे बहुत नीचे जाके लिंक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक का जो नाम रहेगा जैसे फेसबुक ट्विटर वो नाम लिख देना, और फिर जो आपके अकाउंट का जो लिंक है वो URL है वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना कॉपी करके। पेस्ट करने के बाद आपका फिर वहाँ पे डन कर देना है, तो आपका हो जाएगा। मैंने पहले ही बना चुका है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, तो वो वैसे हो जाएगा। तो यही आपका लिंक भी हो जाएगा। फिर आप उसमें अपने ईमेल भी ऑप्शन जा सकते हैं, कोई बिजनेस इंक्वायरी हो या कोई भी चीज़ के लिए, अगर किसी अदर को आपके ईमेल का जरूरत हो तो वहाँ से आपका देख सकता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और ऊपर में ऑप्शन रहेगा एक ईमेल का फॉर बिजनेस इंक्वायरी, उस पर आपको क्लिक करना है, उसमें अपना ईमेल दे देना है, तो आपका ईमेल भी हो जाएगा। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मेन कंटेंट क्या लगा सकते हैं अपने वीडियो पे। तो इसके लिए आपको वीडियो अपने कस्टमाइज चैनल के होम पे जाना है, और उस पर फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर का ऑप्शन रहेगा, फॉर न्यू सब्सक्राइबर का ऑप्शन रहेगा। फॉर न्यू सब्सक्राइबर में आप अपने चैनल का कोई ट्रेलर वीडियो बना के डाल सकते हैं, और फिर रिटर्निंग सब्सक्राइबर में आपके चैनल का जो लेटेस्ट वीडियो है या आपको जो मनपसंद वीडियो है आपका ही वो आप डाल सकते हैं। और फिर उसके नीचे आप अपने अपलोड्स डाल सकते हैं, जो भी आपका अपलोड्स है, और पॉपुलर अपलोड्स भी डाल सकते हैं, और फिर आप कोई भी प्लेलिस्ट भी अपना डाल सकते हैं, और फिर कोई भी चैनल अपना दूसरा चैनल डाल सकते हैं। तो बस आपको एक ऐड सेक्शन पे जाना है, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा किस चीज़ का आपको डालना है और कौन से वे में, हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में, तो आपको कैसे भी डाल सकते हैं। तो ये इससे आपका मेन कंटेंट भी हो जाएगा। तो यही था मेरा वीडियो, तो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सॉरी मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप मतलब सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, वो चीज़ है कि आप अपने YouTube चैनल का आर्ट बैनर कैसे बनाएंगे। इसके लिए बस आपको एक ऐप का जरूरत होगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब को डाउनलोड करने के बाद आपको, जैसे मेरा टेक्निकल चैनल है, तो मैं कंप्यूटर मोबाइल सबका फोटो डाउनलोड कर लूँगा pixabay.com से। वो एक अच्छा सा फोटो डाउनलोड करने का वेबसाइट है, तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इस लोग डाउनलोड करने के बाद सब पिक्चर्स को डाल दूंगा, अपने चैनल का जो मुझे टैग लाइन है कोई भी चीज़ है वहाँ पे लिख दूंगा, और फिर उसको वहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन रहेगा, और यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन रहेगा। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद मैं उस पर यूट्यूब चैनल आर्ट का जो ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक कर दूंगा।
पे क्लिक करने के बाद फिर मेरा साइज जैसा होता है यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए, 8 बैनर के लिए चाहिए, वैसे चार्ट हो जाएगा, वो साइज हो जाएगा उसका। तो फिर उनको सेव इमेज पे सेव करना, सेव टू गैलरी पे जाएगा तो सेव हो जाएगा, तो फिर आप वैसे लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।